हरिद्वार से खबर है जहां फर्जी कोरोना टेस्ट मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला। दरअसल 2021 माह को में फर्जी कोरोना टेस्ट का यह पूरा मामला है जिसमें महिला डॉक्टर सहित लैब संचालक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जहां ये पूरा मामला बता दें कि फर्जी तरीके से जांच कर वसूले गए थे 2.5 करोड़ रुपए और साथ ही साथ देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बड़ा एक्शन सामने आया है। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता महावीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर देखिए फर्जी कोरोना टेस्ट का मामला ये था और 2021 महाकुंभ में फर्जी कोरोना टेस्ट मामले को लेकर के अब बड़ा एक्शन देखने को मिला है, क्या इस एक्शन में किस तरीके से कार्रवाई की गई है? बिल्कुल देखिए 2021 का जो हरिद्वार महाकुंभ था तो उस दौरान कहीं ना कहीं कोरोना की जो एक तरह से दहशत थी तो उसको लेकर उसी के बीच में ये महाकुंभ आयोजित हुआ था और सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि जो भी व्यक्ति महाकुंभ में आएंगे उनके आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे, एंटीजन टेस्ट होंगे। तो उसी टेस्ट को लेकर यहाँ पर क्योंकि अलग अलग लैबों से कॉन्टेक्ट किया गया था, अलग अलग लैबों से अनुबंध किया गया था तो उस दौरान देखने में ये आया था कि फर्जी कोविड की टेस्ट रिपोर्ट जारी की गई और लोगों को फर्जी नाम से वहां पर टेस्ट किए गए और उससे सरकार से तकरीबन 2.5 करोड़ का भी जो है जो अनुदान है वो लिया गया सरकार से। तो कहीं ना कहीं इसकी जांच की शिकायत के बाद ईडी ने इस पूरे मामले की जांच की और कहीं ना कहीं जो पैसों का लेन देन था वो इसमें सामने आया और 2.5 करोड़ तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया जो है वो गलत तरीके से सरकार से लिया गया है। तो इसमें ईडी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है और इसमें हरिद्वार की एक नामी ग्रामीण महिला डॉक्टर है उनके खिलाफ और जो लैब संचालक हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी ये भी बताइएगा महावीर, देखिए जिस तरीके से जानकारी फिलहाल मिली है कि महिला डॉक्टर और उनके साथ साथ लैब संचालक पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कुछ आरोप है जो इस मुकदमे में शामिल किए गए? फर्जी तरीके से देखिए किस तरीके से यहां पर वसूले गए थे ये रुपए और इसको लेकर जब ये पूरा मामला अब सामने आ गया है और लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है, किस ओर ये मामला जाता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि अगर इस पूरे मामले को देखें कि जिस तरह से लैब ने फर्जी लोगों की लिस्ट बनाई, जो लोग थे ही नहीं उनकी लिस्ट बनाई और उनकी टेस्टिंग दिखाई गई और उन टेस्टिंग के माध्यम से ही सरकार से वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया लिया गया। तो गलत तरीके से ये पैसा लिया गया इसकी पूरी शिकायत हुई थी जो 2021 के जब महाकुंभ के दौरान ये पूरा मामला काफी सुर्खियों में रहा था, उसके बाद इसकी जांच ईडी कर रही थी और ईडी ने इस मामले में पाया कि गलत तरीके से पैसे को लिया गया, सरकार से गलत तरीके से पैसे लिया गया और उसके बाद जब ईडी ने अपनी रिपोर्ट दी तो उसके आधार पर जो स्थानीय प्रशासन है उस पुलिस प्रशासन है उसने ये मामला दर्ज किया है और इसमें जो डॉक्टर है और एक लैब संचालक है उनके खिलाफ जो 120 बी और 420 के साथ साथ कई जो धाराएं हैं संगीन धाराएं हैं उनमें मामला दर्ज किया गया है। अब देखने वाली ये बात होगी कि आखिर जो क्योंकि नामी गिरामी हरिद्वार। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका महावीर। और बड़ी खबर नैनीताल से, बंद फैक्ट्री में शव मिलने से हड़कंप।